नमस्कार, मैं हूं दबांग। हिंदुस्तान शिखर समागम में आपका स्वागत है। हम हैं उत्तराखंड में और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की उन्नति का नया नाम उत्तराखंड, और इस पर सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। आपको एक तरीके से बिलेटेड बर्थडे, आपका जन्मदिन था कल, मेरे ख्याल से तालियां बजा के आप लोग जी आपका बधाई दे सकते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरीके से नया नाम उत्तराखंड का अगर हम बात करें तो एक फील्ड है जहां आपने बहुत लीड ले रखी है, वो है यूसीसी का मामला, समान नागरिक संहिता वाला मामला। इसमें एक ये कहा जा रहा है, और हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री ने प्रेस से जब बातचीत की तो ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ का जो कानून है वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ है, समितियाँ बन गई हैं 5 राज्यों में। कहाँ मामला अटक रहा है, देर क्यों लग रही है, विस्तार से अगर आप बताना चाहें कि आप कर क्या रहे हैं, किस तरह की तैयारी करना कर रहे हैं। देखिए दिव्यांग जी, ये समान नागरिक संहिता, ये हमारा 2022 में जब विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव का हमारा ये प्रमुख मुद्दा था, और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे और उस पर उसको लागू करेंगे, और उसके लिए हमने पूरी प्रक्रिया जो होती है प्रक्रिया अपनाई और एक समिति का गठन किया रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने सारा काम करने के बाद हमको अपनी रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट सौंपने के बाद हम विधेयक लेकर आए, विधेयक पारित हो गया, राष्ट्रपति महोदय की भी हमको उसमें मंजूरी मिल गई है, उनका भी अनुमोदन मिल गया है, और अब उसको लागू करने की दिशा में अब केवल विधेयक पारित करने तक ही हम सीमित नहीं हैं, हम उसको लागू कर रहे हैं। उसमें जो है सूचना प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का और सभी विभागों का, चूँकि एक बहुत बड़ा काम है और उससे बहुत सरलीकरण भी होने वाला है, तो सब विभागों की लगातार कार्रवाई चल रही है, लगातार कसरत हो रही है, उसमें काम चल रहा है, और हमने समय सीमा तय की है कि 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है उससे पहले हम उसको लागू कर लेंगे। एक बड़ी चर्चा है जनसंख्यिकी बदलाव में, डेमोग्राफिक चेंज में, इसको आप कितनी गंभीर चुनौती मानते हैं और इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, एक बात आप हमेशा सुनते होंगे कि हम हमेशा ये कहते हैं कि उत्तराखंड का जो देवभूमि का मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर हम बिगड़ने नहीं देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर धर्मांतरण का सख्त कानून लेकर आए, और धर्मांतरण के साथ साथ हमने जो है यहाँ पर लैंड जिहाद, जो बहुत बड़े एरिया में था, लगभग 5,000 एकड़ ज़मीन हमने उससे अतिक्रमण से मुक्त करवाई है, और अभी अभी हम दंगारोधी कानून भी लेकर आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर तमाम प्रकार से लोगों को, इस प्रकार के लोगों को बसाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, जिससे कि यहाँ पर एक डेमोग्राफिक चेंज होने लगा, और उत्तराखंड का मूल स्वरूप इसके लिए कदापि जो है अपनी सहमति नहीं देता है, यहाँ पर बिल्कुल भी जो है इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए हमने कहा है कि हम इस पर जो है जो हमारा अतिक्रमण हटाने वाला जो अभियान है वह भी चलेगा, और इसके साथ साथ हम जो वेरिफिकेशन ड्राइव है वो वेरिफिकेशन ड्राइव को भी और सख्ती से हम चलाएंगे। पर यूसीसी का मामला है और ये जो मामला है, क्या ऐसा नहीं आपको लगता कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके राज्य की छवि, राज्य सरकार की छवि ख़ास तौर पर ऐसी बन रही है कि ये मुस्लिम विरोधी राज्य सरकार है? ये देखिए, बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं कह सकता। जैसे मैं एक अतिक्रमण की अगर बात करूँ आपसे, तो इतना बड़ा ये सभागार है, इसमें इतने लगभग हजारों लोगों के लगभग लोग यहाँ पर हैं, सैकड़ों लोग हैं, तो कोई भी ये सही नहीं मानेगा कि कहीं पर अतिक्रमण, कौन इंक्रोचमेंट को कौन सही मानेगा? मुझे लगता है कोई मानता है क्या? आप लोग मानेंगे क्या इंक्रोचमेंट को सही? कोई नहीं मानता जी, सबने कहा कि नहीं अच्छा काम हो रहा है। यहाँ देश भर के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या जो यहाँ बाहर के लोग, राज्य के बाहर के लोग जो थोड़ी ज़मीन ले पाते थे,
क्या आप ऐसा कानून सोच रहे हैं कि अब वो ज़मीन नहीं ले पाएंगे? नहीं, देखिए उसमें अलग अलग मत हमारे यहाँ पर आए हैं। बहुत बार बहुत लोगों ने एक लैंड बैंक यहाँ पर बना लिया, भू माफिया, या मैं उनको लैंड माफिया भी कहता हूँ, वो हमने उसको रोका है अभी। और ये राज्य की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर हम बड़े एरिया में, यहाँ पर अभी जो हमारे यहाँ पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड, हमने पिछले वर्ष कार्यक्रम किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और 3,54,000 करोड़ के लोगों ने हमारे साथ MOU किए हैं, और हरिद्वार में, देहरादून में, ऊधम सिंह नगर में, इन स्थानों पर बड़ा हमारा जो है आज इंडस्ट्री आ रही है, निवेश आ रहा है, और हम पहाड़ों की तरफ भी निवेश ले जा रहे हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में, एडवेंचर के क्षेत्र में, राफ्टिंग के क्षेत्र में, अनेक आयुष वेलनेस सभी क्षेत्रों में। तो हमारे सबके लिए जो है दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप व्यापार करिए, यहाँ उद्योग लगाइए, अन्य काम करिए, लोगों को रोज़गार दीजिए, उसके लिए खुला हुआ है। लेकिन यहाँ पर केवल कुछ ज़मीनें जो है आपने पहले कृषि प्रयोजन के लिए खरीद ली, उसके बाद उसमें 143 करवा दी या कुछ कर दिया, अवैध कॉलोनियाँ बसा दी, बड़े बड़े अपराधियों को लाकर बसा दिया, डेमोग्राफिक चेंज करवा दिया, ये उत्तराखंड राज्य के लिए बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बड़ी बहस होती है खासतौर पर जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बारे में कि क्या करेंगे, कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात होती है, किस तरह से अर्थव्यवस्था भी ज़रूरी है और एनवायरनमेंट तो बहुत ज़रूरी है ही, पर्यावरण बहुत ज़रूरी है। इस पर लगातार डिबेट आपके राज्य को लेकर भी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ नहीं बदली है वो ये कि लगातार भूस्खलन की खबरें आती रहती हैं, सड़कों के ढहने की खबरें आती रहती हैं। कहाँ कमी रह जाती है या पूरा डेवलपमेंट ऐसा हो चुका है कि अब उम्मीद बहुत कम है? देखिए दिवांग जी, ये तो आपने, चूँकि इस समय हम आपदाओं से जूझ रहे हैं और हर वर्ष हमको किसी न किसी रूप में उत्तराखंड में, और मैं कहूँगा कि पूरे हिमालयन रीजन में, केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे हिमालयन रीजन में, ये आपदाएँ किसी न किसी रूप में हमको हर साल चुनौतियाँ हमारे लिए होती हैं। हमको विकास भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम विकास नहीं करेंगे तो आप समझिए कि पहाड़ों में जो पलायन की बात होती है, रोजगार की बात होती है, अन्य संसाधनों की बात होती है, वो कैसे पूरी होगी? हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपने शब्द उपयोग में आप लाए, इकोलॉजी और इकोनॉमी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हम लगातार इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय बनाकर हम काम कर रहे हैं। हमने इसके लिए पिछले दिनों जब कुछ शहरों में भूस्खलन की, धसाओं की खबरें आईं, तो हमने कहा हम उसको रोकेंगे, क्योंकि हमारे लिए पहली, सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों की सुरक्षा और सुरक्षित एक परिवेश देना, सुरक्षित वातावरण देना, ये सरकार का भी काम है और इस काम को हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रख के इस बार हमने, उत्तराखंड पहला राज्य होगा पूरे देश का तो है ही, पूरी दुनिया का, जहाँ पर GEP, अभी हमने यहाँ GEP की शुरुआत कर दी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे चारधाम यात्रा है, यात्रा में लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती है, आपकी जो सड़कें हैं वो उस तरीके से चौड़ी नहीं हो पाती, उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, आप संख्या पर रोक लगाने की, जैसे वैष्णो देवी में होता है, उस तरह की कोई योजना सोचते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं ये रोकूंगा तो हमारी इकोनॉमी का जो पहिया है उसकी रफ्तार कम होगी, ये एक चुनौती रहती है आपके दिमाग में? देखिए ऐसा है कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आने वाले यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, कि जो भी तीर्थयात्री, जो भी दर्शन करने वाले लोग, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है, कि वो अपनी यात्रा उत्तराखंड में अगर करते हैं, चार धामों की यात्रा करते हैं, तो सुरक्षित आएँ और सुरक्षित वो यहाँ से जाएँ। उसी दृष्टिगत हम सारी योजनाओं को आगे, मतलब चार धाम की यात्रा का नियोजन करते हैं। जैसे कई लोग मानते हैं, जैसे जो आपकी कांवड़ यात्रा है जो चलती है, यहाँ से लोग आते हैं पैदल जगह जगह से, उसमें भी एक संख्या निर्धारित हो तो और सुचारू रूप से हो। हम देखते हैं कि उसमें हर बार एक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी झगड़े होते हैं वहाँ पर, क्या इस पर कोई सोच है आपकी? बिल्कुल, इस पर दिवांग जी हम यात्रा प्राधिकरण का गठन कर रहे हैं और सभी लोगों से, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो यात्रा से प्रभावित होते हैं या जो लोग यात्रा करवाते हैं, उन सब के विचार लेकर
हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, हक हकूकधारी हैं, उन सबसे बात करने के बाद जितनी भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के लोगों से सबके विचार लेकर हम यात्रा प्राधिकरण बनाने पर विचार कर रहे हैं, जो पूरे साल भर राज्य के अंदर जो भी हमारी यात्राएं चलती हैं वो यात्राएं कैसे व्यवस्थित हों, कैसे सुरक्षित हों, उस पर हमारा काम चल रहा है। यात्रा की बात चली तो एक और यात्रा जो अभी हाल में हुई केदारनाथ में, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कांग्रेस पार्टी की, और ये कहा जा रहा है साहब वहाँ सोना था और वो गायब हो गया और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो विपक्ष है आपका, पर क्या जवाब है आपका इन पर? एक तो देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो यात्रा लेकर गए थे हमारे प्रतिपक्ष के लोग, वो कहेंगे कि यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब व्यवस्था नहीं थी तो जी वो कैसे पहुँच गए वहाँ? व्यवस्था थी इसीलिए तो पहुँचे हैं। और दूसरा, जो बार बार इस प्रकार की बातें करके, देखिए ऐसा है कि कुल 23 किलो सोना वहाँ पर जिन्होंने भी उसको मंदिर के लिए दिया था, बाबा के लिए दिया था, वो सोना 23 किलो था, तो बढ़ चढ़ कर कैसे हो सकता है ऐसी मनगढ़ंत बातें ऐसे धामों के बारे में कहना? मैं समझता हूँ कि कम से कम जो है राजनीति अपने स्थान पर है, लेकिन बाबा के ऐसे पवित्र स्थान पर ऐसे जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक मामला जिस पर आपको हर बार मेरे ख्याल से हर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता होगा, उस पर देश भर में बड़ी चर्चा भी हुई, मैं अंकिता भंडारी की बात कर रहा हूँ, उस मामले में एक विधायक थी रेणु बिष्ट, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला कहाँ अटका हुआ, क्यों इस पर इतने सवाल उठते हैं और क्यों कुछ इसका मुकम्मल जवाब नहीं आ पाता? देखिए मैंने बहुत बार बोला है, फिर से आपके और इस आपके शिखर समागम में दिवांग जी आप भी अच्छे से, क्योंकि आप बहुत जगह दिल्ली में बड़ी बड़ी जगह बैठते हैं, अगर लोगों के मन में कोई भ्रांति हो तो मैं आपकी भी जो है आपको भी मैं इस घटना के बारे में ठीक से बता देना चाहता हूँ। जैसे ये घटना हुई तत्काल पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, और कार्रवाई करने के बाद जो भी इसके अपराधी थे, आरोपी थे, वो जेल की सलाखों के पीछे गए। तुरंत हमने महिला DIG के उनके नेतृत्व में एक SIT बनाई, उस SIT ने सारे के सारे दस्तावेज वहाँ से एकत्र कर लिए, सारे दस्तावेज के सारी कार्रवाई की और सारे लोगों से बात करी। चाहे ये घटना बहुत खराब घटना थी, और उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट लगाई है और माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से पूरी ठोस पैरवी की जा रही है कि उन अपराधियों को जो है दंड मिलना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं देवभूमि में कोई करना तो बहुत दूर की बात, कोई इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सोचे भी नहीं हमारा तो ये।